नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। बिग ब्रेकिंग, महेंद्रगढ़ जिले के गांव भोजावास में युवक पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोली। युवक के हाथ में लगी गोली, परिजन इलाज के लिए कनीना के उपनागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। घायल युवक सनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तभी बोलेरो गाड़ी में बैठकर कुछ हुआ। कुछ दिन में से एक युवक हाथ में रिवाल्वर लेकर दुकान के अंदर है और उसने आते ही गोली चला दी। गोली उसके हाथ में लगी, आरोपी गाड़ी में बैठकर। हाँ सनोज, क्या घटना कब घटी, क्या टाइम था, कैसे घटी? सर, ये 2:30-3 बजे के आसपास की बात है। मैं अपनी दुकान में अंदर बैठा हुआ था, तभी बोलेरो गाड़ी दुकान पे आके रुकी है और उसमें से एक लड़का उतरा है और उसने आते ही बाहर से आप सब गाली गलौज शुरू किया, तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है और उसके हाथ में रिवॉल्वर था और आते ही उसने फायर किया। तो उससे पहले मैंने उसकी तरफ एक स्टूल था प्लास्टिक का, वो उठा के फेंका है और इतने तुरंत उसके बाद उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। उसने सर में गोली मारने की कोशिश करी, मैंने आगे हाथ लगाया तो मेरे हाथ में लग गया। उसके बाद मैं वापस मुड़ा हूँ और अपने घर की छत पे चला गया। फिर उस बंदे ने अपनी गाड़ी में बैठा और वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद आसपास के जो लोग थे वो आगे वहाँ पे, उसने मेरे पास पहुँचने से पहले जो पीछे मेरे दुकान में है साइड में, उनसे कन्फर्म किया है कि भाई सनोज की दुकान यही है करके, और उन्होंने उनको अच्छी तरह देखा भी और बताया कि सनोज आपकी दुकान किस चीज़ की है। सर मेरी दुकान परचून की है। और ये कहाँ से आए थे, किधर गए? सर ये अटेली साइड से आए थे और बस स्टैंड से खैराणा को रास्ता निकलता है। बोलेरो गाड़ी में कितने लोग सवार थे? सर 4 से 5 व्यक्ति सवार हो गए उसके अंदर और ज़्यादा मैं देख भी नहीं पाया। उतर के कितने आए थे? उतर के एक ही लड़का आया था, उसने चेहरे पे कुछ भी नहीं बांध रखा था। तो क्या किसी से कोई रंजिश आपकी? रंजिश सर इस तरह की घटना मेरे साथ पिछले मई 2023 में हुई थी, फिर उत्तर की घटना थी और उस समय भी मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। जी, तो वो लोग कौन थे? वो तो जी उनकी अभी वो चली हुई है, FIR वगैरह मैंने दर्ज करा रखी है। गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी? गिरफ्तारी अभी हुई है 2 महीने पहले, एक लड़के की, जो लास्ट लड़का था उसकी 2 महीने पहले गिरफ्तारी। कहाँ का रहने वाला था वो लड़के? तो जी जिन्होंने जिम्मेवारी ले रखी थी वो तो गांव के थे, जो उनको लेके आया था वो भी मेरे गांव का ही लड़का था और 7-8 लड़के और थे उनके साथ उस दिन जब मेरे पास बुलाए थे जो अलग अलग गांव। तो ये तारीख याद है, किस तारीख को हुई थी घटना? सर अप्रोक्सीमेट 23 या 25 तारीख की बात है। 25 मई 2023 मई 2023 कन्फर्म होगा जी। और भोजावास गांव का हूँ। क्या मामला हुआ? मामला ये था जी, मैं दुकान के अंदर बैठा हुआ था और एक बोलेरो गाड़ी आके अचानक 2 मिनट के अंदर ही सारी कार्रवाई होगी। वो आया है, रिवॉल्वर निकाल उसके हाथ में था, आते ही उसने फायर किया है। रिवॉल्वर देख के मैंने उसकी तरफ जो स्टूल पड़ा था वो उठा के उसकी तरफ फेंका है और उसने फायर कर दिया। मैंने अपने सर का बचाव करने के लिए हाथ आगे अड़ाया तो हाथ में ही वो फिर गोली लगी। कितने आदमी थे वो गाड़ी से? तो वो एक ही व्यक्ति उतरा था, बाकी गाड़ी में 4-5 आदमी। तो आपने देखा, पहचान पाए कुछ? कौन नहीं, कार्रवाई इतनी जल्दी हुई कि उसका चेहरा तो वैसे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन मैं उसको जानता नहीं बंदे को। नहीं, उसने कोई रुमाल बांध नहीं, कुछ नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं लगा रखा। कोई आपका पहले कोई मामला ऐसा, रंजिश वगैरह किसी, किस पे शक वगैरह? नहीं, रंजिश का तो मामला जी पहले भी एक बार मेरे साथ इस तरह की वारदात हो चुकी है, धमकी भी दी गई थी मुझे जान से मारने की, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चीज़ उससे भी जुड़ी हुई मुझे लगती है। कब का मामला? वो मामला 2023 का है जी, लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया उस चीज़ को। वो किस मामले में धमकी मिली थी? वो फिरौते के मामले में धमकी मिली थी। अभी गोली लगने के बाद क्या हुआ? गोली लगने के बाद वो बंदा तो बाहर की तरफ वहीं खड़ा रहा और मैं छत के ऊपर चला गया और दरवाज़ा था उसके मैंने बंद कर दिया दरवाजे को। फिर मैं छत पे गया हूँ तब तक वो बंदे वहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकल गए। उसके बाद मुझे पता, फिर मैं नीचे की तरफ आया हूँ, नीचे आके मैंने 112 को कॉल किया है और अपने परिवार को सूचित किया और ये जो पड़ोसी थे वो सब वहाँ पे आ गए। किसके ऊपर शक जाहिर कर रहे हैं? शक तो सर जो पीछे मेरे साथ वारदात हुई थी उसको अगर जोड़ के देखते हैं तो ये काफ़ी एक ग्रुप ही काम कर रहा है, उसके ऊपर मेरा पूरा संदेश आ रहा है कि उन्होंने पीछे मेरे इस तरह की मेरे साथ वारदात की हुई है और उन्होंने पीछे उस समय भी जान से मारने की धमकी दी थी और अब फिर ये मामला तो इस तरह से तो कनेक्टिविटी होने की तरफ जा रही है।